नमस्कार दोस्तों, फिलहाल हम आए हुए हैं ईडन गार्डन्स, जिसे द मेक्का ऑफ द इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। ईडन गार्डन भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये 1864 में एस्टैब्लिश हुआ था और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जा चुके हैं। यहाँ पे 1987 का वर्ल्ड कप फाइनल, 2016 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल और भी कई बड़े बड़े मैचेस खेले जा चुके हैं। तो आज हम यहाँ जाने वाले हैं एक IPL मैच जो कि हैदराबाद और कोलकाता के बीच में खेला जाएगा, उसे देखने के लिए। अगर आप यहाँ के मैचेस के टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, जैसे कि बुक माई शो प्लेटफॉर्म पे, तो आपको यहाँ का फिजिकल टिकट लेने के लिए मोहम्मदन स्पोर्टिंग ग्राउंड आना पड़ेगा, जो कि ईडन गार्डन के नज़दीक स्थित है। जैसे कि मैंने अभी अपना टिकट जो कि मैंने बुक माई शो पे बुक किया था, मैंने यहाँ से आके उसका फिजिकल कॉपी पिकअप कर लिया है। ईडन गार्डन्स के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। तो अगर आप ईडन गार्डन को और अच्छे से देखना चाहें तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। ईडन गार्डन्स आना चाहें तो आप धर्मतला मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं, वहां से ये 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप अगर हावड़ा से भी यहां के लिए बस पकड़ते हैं तो आप बड़ी आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। आप बाबूघाट भी आते हैं तो वहां से आप 10 मिनट की वॉकिंग पे ईडन गार्डन पहुँच सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल G1 की टिकट ली है, जिसकी प्राइस हमें पड़ी है 750 रुपये। तो चलिए देखते हैं G1 से ईडन गार्डन का नज़ारा कैसा दिखता है। और KKR को सपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो हेडबैंड और ये एक बैनर दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं G1 ब्लॉक से ईडन गार्डन का नज़ारा कैसा दिखता है।
मैच होता है खत्म और केकेआर ये मैच 23 रन से हार चुकी है। चलिए आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में। चलिए आप